आप सब लोगों से विनती की जाती है कि आप लोग घर में रहें और बिना किसी वजह के बाहर ना निकलें। सुनिए जी, अब घर में रहने को कहा जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन हो जाए। कम से कम 15-20 दिन का सामान तो ले आए। बीना और रवि एक सुपरमार्केट जाते हैं। सुपरमार्केट के बाहर भीड़ है, लोग मास्क पहने हुए सफेद घेरों में लाइन में खड़े हैं। जैसे ही वह सुपरमार्केट में जाते हैं, लोग शेल्फ से खाने का सामान ले रहे होते हैं। बीना ट्रॉली में बहुत सारे साबुन और टिश्यूज डालती है। तब वह डॉक्टर मोना को एक शेल्फ के सामने देखती है। बीना की ट्रॉली भरी हुई है, जबकि डॉक्टर मोना की ट्रॉली में कुछ ही आइटम है। अरे डॉक्टर मोना, नमस्ते, आप यहाँ? हेलो बीना भाभी, हाँ आज मेरी छुट्टी थी, फिर ड्यूटी में बिजी हो जाऊंगी। लेकिन आपने तो बस इतने ही सैनिटाइजर और साबुन लिए हैं। मैंने 15 दिन का स्टॉक लिया है, पर आपका यह स्टॉक तो एक साल से ज्यादा का लग रहा है। लेकिन अगर खत्म हो गए तो क्या होगा? आप यह सोचिए, अगर हम सारे टिश्यूज, सैनिटाइजर और सोप्स ले लेंगे तो और लोग अपने आप को कैसे साफ रखेंगे? उनके इन्फेक्शन से उल्टा दूसरों और हमको भी खतरा होगा। जी वो तो ठीक है, लेकिन भाई साहब, कोरोना इन्फेक्शन सिर्फ एक हमारी प्रॉब्लम नहीं है, यह एक पूरी कम्युनिटी की प्रॉब्लम है और हम सबको मिलकर इस क्राइसिस को मिनिमाइज करना है। एक भी मिस हो गया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। डॉक्टर मोना ठीक कह रही हैं, हमको सबका ख्याल रखना चाहिए। मैं 2 साबुन और सैनिटाइजर अपने घर आने वाली मेट के लिए भी ले लूंगी, उसको भी तो इन्फेक्शन से बचना है, पता नहीं वो बेचारी अफोर्ड कर भी सकती है या नहीं। वेरी गुड बीना, बिल्कुल हमको सबका सोचना है, यह वायरस फैलते वक्त गरीब अमीर नहीं देखता। बीना और रवि घर वापस आते हैं। मॉम, आपने ये इतने सारे गार्लिक क्यों लिए हैं? सिमी तो चुप नहीं रह सकती है, इसमें हंसने वाली क्या बात है? आप बात ही ऐसी करती हो। क्या व्हाट्सएप मैसेज में पढ़ा था मैंने कोरोना से बचने के बारे में, सोचा ट्राई करने में क्या हर्ज है। सभी डॉक्टर बार बार यही कह रहे हैं कि साबुन से हाथ धोते रहो, मुंह पे हाथ ना लगाओ और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो। अगर आप ये इस तरह के टोटकों में लगी रहोगी तो रियल प्रिकॉशंस ही भूल जाओगी। सिमी तू ठीक कह रही है एकदम। क्या आपने भी कोरोना इन्फेक्शन के लिए बहुत सारी ग्रोसरी और सैनिटाइजर स्टॉक करके रख लिया है? सामान स्टॉक करने से दूसरे लोगों को नहीं मिल पाता है, खास तौर पर साबुन या सैनिटाइजर की शॉर्टेज हो जाए तो और लोग कैसे अपना बचाव कर सकेंगे? ये समझना जरूरी है कि कोरोना जैसे पैंडेमिक में हमारी अकेले की नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी की सेफ्टी से सबकी सेफ्टी है।